2017 के सहयोग से आज ये ऐतिहासिक कार्य आपने किया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। सभी सम्मानित संगठनों के समस्त पदाधिकारी गांव का और हमारे अटेवा के पेंशन विहीन शिक्षक कर्मचारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब आज जो आपके माध्यम से एनपीएस आब्लिक निजीकरण व्यवस्था, क्योंकि एनपीएस भी निजीकरण है, समाप्त करने तथा पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में महोदय सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में 1 अप्रैल 2005 से शिक्षकों कर्मचारियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस को समाप्त कर बाजार आधारित नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस लागू कर दी गई है, जो कि ना तो शिक्षकों कर्मचारियों के हित में है और ना ही प्रदेश एवं देश हित में है, क्योंकि कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश एवं केंद्र सरकार का पैसा प्राइवेट कंपनियों के पास जमा हो रहा है, जिसका ना तो कोई भविष्य है, ना तो कोई गारंटी और ना ही सुरक्षा। यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण एवं विभेदकारी है। सरकारी परिसंपत्तियां देश की धरोहर हैं, सरकारी संस्थान